नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप खूबसूरत है जिंदगी बस गले लगाने की देर है कुछ लड़खड़ाते कदमों को हाथ से थामकर एक साथ मिलकर बढ़ने की देरी है इसीलिए इस खास शो का नाम हमने रखा है लव यू जिंदगी जी हाँ कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर हम बात नहीं करते ऐसे मुद्दे जो हमारे बीच हमेशा से रहे हैं लेकिन हमने उन पर चर्चा बहुत कम की है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जिंदगी के अहम मुद्दों और ऐसे पहलुओं पर लोगों को जागरूक करने की एक कोशिश हम कर रहे हैं साथ ही यह भी समझने का प्रयास कि हम हालात को बेहतर कैसे बना सकते हैं आज के एपिसोड में हम भारत में दिव्यांगता के मुद्दे पर बात करेंगे क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में तीन करोड़ तीन करोड़ लोग दिव्यांग हैं एक मुल्क के तौर पर हम दिव्यांगों को सार्वजनिक जगहों पर बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में अभी बहुत पीछे हैं मौजूदा वक्त में भारत की ज्यादातर इमारतें दिव्यांग अनुकूल यानी डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है यह हाल तब है जबकि भारत सरकार एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चला रही है इस कैंपेन के तहत हर मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि उनके ऑफिस दिव्यांग अनुकूल हों यानी डिसेबल फ्रेंडली हो हालांकि दिव्यांगों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बतौर नागरिक दिव्यांगों के अधिकार क्या है बीते कुछ दिनों में इन मुद्दों पर चर्चा ने देश में जरूर जोर पकड़ी है आज मेरे साथ इस चर्चा में बेहद अहम लोग शामिल होंगे सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का स्वागत हमारे साथ ऐसे कई लोग मौजूद रहेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे सवाल जवाब करेंगे जरा करीब से इनकी नजरों से दुनिया को देखेंगे तो सबसे पहले आपका परिचय फाउंडर एंड मैनेजिंग फाउंडर एंड चेयरपर्सन द हंस फाउंडेशन बहुत स्वागत है आपका मल्लिकार्जुन अर्जा साहब जो कि एमडी है एफटेक स्किल डेवलपमेंट प्रेसिडेंट फेयर ट्रेड फोरम इंडिया को फाउंडर बिलीव इंडिया के बहुत स्वागत है सर आपका और जबरदस्त तालियों के साथ जॉर्ज इब्राहिम फाउंडर एंड सीईओ स्कोर फाउंडेशन के। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर अभिनेता नसरुद्दीन शाह भी इनका मानना है कि दिव्यांगता से जुड़ी जो पुरानी धारणाएं हैं उनको तोड़ने का वक्त आ चुका है तो सबसे पहले नसीर साहब से एक सवाल करते हैं नसीर साहब फिल्म स्पर्श स्पर्श के रोल को निभाने के लिए आपको किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी क्योंकि आपने एक विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति की भूमिका निभाई है आपने उनके साथ वक्त बिताया ये समझने के लिए कि उनकी जिंदगी कैसे आहटों के साथ आगे बढ़ती है यह अनुभव कैसा था ये तजुर्बा कैसा था क्या सीखा आपने क्या देखा कैसे आगे बढ़े इस रोल के लिए कोई खास तैयारी मैंने नहीं की स्पर्श के लिए क्योंकि मुझे काफी तजुर्बा था नाभिन लोगों का मेरी नानी की नजरें नहीं थी वो बहुत कहानी कार बहुत बड़ी थी वो जिस तरह से चलती फिरती थी, थी अपने घर में उसको मैं देखता रहता था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, में मेरा एक क्लासमेट था जो नाबीना ना था इंग्लिश लिटरेचर में और वो उसने टॉप किया इंग्लिश लिटरेचर में हैरत की बात यह है तो तभी से मेरा नज़रिया इन लोगों की तरफ बहुत ही एडम्रेशन का रहा है और जिसे हम एक मजबूरी समझते हैं या एक मुसीबत समझते हैं उसको हंस के झेलना ज़िंदगी भर वो कैसे करते हैं उसके लिए मेरे दिल में उनके लिए बहुत कदर है आप सोचिए कि ना सिर्फ ऐसी दिक्कत के साथ जूझना बल्कि टॉप करना किसी सब्जेक्ट में मुझे लगता है उनके लिए ताली बजनी चाहिए जिनका इन्होंने जिक्र किया ये वो अंदर की बात होती है जो बड़े जज्बे के साथ आती है उसी को समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में अब आ, हमारे पैनलिस्ट के पास चलते हैं सबसे पहले जॉर्ज इब्राहिम जी आपके पास आती हूं क्योंकि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं जिंदगी में आपने कुछ तजुर्बों के बारे में जरूर हमें बताएं कि आ, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है स्कोर फाउंडेशन जिसकी आपने नींव रखी है आ, जो दिव्यांगता से जूझ रहे लोग हैं उनकी आप मदद भी करते हैं अपना जज्बा बताइए देश को अगर आप देखेंगे जब किसी को कहा जाता है कि वो दिव्यांग है या विकलांग है इमीडिएटली उनसे जो अपेक्षा है एक्सपेक्टेशंस जो है वो बिल्कुल कम है हम उनके साथ एम्पथाइज़ नहीं करते हम उनको दया के पात्र से देखते हैं और उनका जो पढ़ाई रिहैबिलिटेशन वगैरह है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है क्योंकि हम समझते हैं कि ये तो विकलांग है ये क्या करेगा तो इनके लिए सुविधाएं जो देते हैं वो मेरे ख्याल से जो क्वालिटी होना चाहिए जिस स्तर का होना चाहिए अक्सर उससे काफ़ी कम होता है और मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे सिटीजन्स हैं मेरे ख्याल से विकलांग लोगों के साथ किस तरह से उठना बैठना है इंटरेक्ट करना है एंगेज करना है इसके बारे में जानकारी या जागरूकता नहीं है आप इस बात से इतना ही समझ सकते हैं कि दृष्टि होते हुए कई बार हमारी सोच बड़ी सीमित हो जाती है शायद उसको बदलने की जरूरत है okay. श्वेता अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ द हंस फाउंडेशन जिसके जरिए आप तो चार अलग अलग एरियाज में काम कर रही हैं क्षेत्रों में काम कर रही हैं किन फील्ड्स में आप काम कर रही हैं कैसे लोगों को अप्रोच करती हैं और आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा जो आप शेयर करें सो दो हजार से द हंस फाउंडेशन ने शुरू से ही दिव्यांगता को अपना एक कोर एरिया बनाया दिव्यांगता के अलावा हम शिक्षा स्वास्थ्य और लाइवलीहुड्स जिसे कहते हैं लोगों को नौकरी दिलाना उनको ट्रेनिंग देना तो ये चारों एरिया हमने शुरू से इनमें काम किया है और मैं मानती हूँ कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम शिक्षा को देख के दिव्यांग जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की क्या सुविधाएं हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते स्वास्थ्य के लिए भी वही है इसीलिए हमने सारे एरियाज़ को मिलकर के हमने आ, कोशिश करी है कि जहां पर भी हम काम करें हम देखें कि वहां जो दिव्यांग लोग हैं बच्चे हैं उनकी क्या सुविधाएं हैं पर्सनली मेरे एक्सपीरियंसिस काफी कुछ रहे हैं जैसे उन्होंने कहा लोग देख नहीं सकते तो आ, लोग इमीडिएटली जोर जोर से बात करने लगते हैं उनसे अब ना देखना और जोर से बात करने में कोई कनेक्शन नहीं है नहीं। और इस शो के जरिए भी मैं कोशिश करती हूं कि लोग यही समझे कि ये सोच बदलना बहुत जरूरी है अभी आपकी इस सोच और पहल के लिए एक बार ताली हो जानी चाहिए <laughs> क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो आने वाले वक्त में लोगों की सोच को बदलेंगे और अब गीता जी मैं आपसे मुखातिब हूँ आप जो बोलेंगी वो बहुत स्पेशल होगा क्योंकि आपके बच्चे का ऑटिज्म है और आपने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जिन बच्चों को है आशीष फाउंडेशन के साथ आप काम कर रही हैं अपने एक्सपीरियंस से उनके पेरेंट्स को क्या बताएंगी कि वो संवेदनशील हों लेकिन बहुत ज्यादा भी ऐसा कुछ ना करें जिससे बच्चा एक ककून में चला जाए तो मैं ये मानती हूँ कि जो आ... बच्चे या अडल्ट होते हैं जिनको ऑटिज्म होता है हम लोग एज पेरेंट्स एज माँ बाप के तौर पे हम लोग उनकी हमेशा रक्षा करना चाहते हैं हमेशा छुपा के रखना चाहते हैं पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर मत जाइए रिस्क टेकिंग सिखाइए उससे बढ़ते हैं बच्चे आपके बच्चे का सबसे बड़ा वकील आप खुद हैं <स्थाथ> कोई नहीं आपके साथ आपके बिना कुछ काम हो सकता है तो जब आप अपने बच्चे के साथ खड़े होंगे और आप अपने बच्चे के को लेकर शर्मसार नहीं होंगे एम्बेरेस्ड नहीं होंगे कि मेरा बच्चा ऐसा है तब सारी दुनिया आपको देख के अपने उस बच्चे को एक्सेप्ट करेगी अब मैं आपके पास मल्लिकार्जुन आती हूँ दिव्यांगों को बाधा मुक्त सुविधाएं कैसे मिले इन सब के लिए सरकार की जो योजना है उस पर क्या बताएंगे आप क्या लोग समझें कि सरकार कॉन्शियस है इन चीजों को लेकर अंजना जैसे कि आपने कहा कि 2015 दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुगम्य भारत अभियान की घोषणा की और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और लगभग अभी हम चार साल पूरा कर चुके हैं अगर एक बार आकलन करते हैं फर्स्ट फेज में तीन ऐसा कंपोनेंट्स के ऊपर भारत सरकार ने रखी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में अच्छा खासी रेलवेज बसेस एक्सेसिबल करने का एक अच्छा प्रयास हुआ है और अगर आप बेसिक इंडिकेटर्स देखते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार का नीति और नियति ठीक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अच्छा खासी चैलेंजेस है इसका बहुत सारा कारण है कि जो हमारा जो बेसिक माइंड है एक्सेसिबिलिटी को लेकर क्योंकि कैंपेन सरकार ने शुरू की थी तो सरकार ही आगे बढ़ रही है अब समाज को उसके आगे ले जाना पड़ेगा ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो चुनौतियों के लिए दिव्यांगों को लेकर सामाजिक नजरिया बदलने की कोशिश में लगी हुई हैं। द हंस फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो लगातार सस्टेनेबल लाइवलीहुड इंक्लूसिव एजुकेशन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन एक्सेसिबिलिटी पर काम कर रही है साथ ही दिव्यांगों से जुड़े मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाने में भी लगी हुई है चलिए देखते हैं किस तरह द हंस फाउंडेशन ने कई जिंदगियों को संवेदनशीलता के साथ छुआ है इनसे मिलिए ये हैं किरण और इनके साथ ये हैं इनके भाई अजय शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद किरण और अजय को स्पेशल स्कूल से मुख्य धारा के स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया मैं अपने एट के प्रीफेक्ट्स को देखती थी मैं ब्रेक के लिए नीचे नहीं जाती थी बहाने बनाती थी ताकि मैं उन्हें देख सकूं कि वो लोग क्या करते हैं ऐसा उन लोगों के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं उन्हें मैंने देखा किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं बन जाऊंगी बात गाने के बारे में गाएगा मेरे साथ जो हमारे गिटार टीचर हैं उनसे जाकर बात किया मुझे गिटार बजाना सीखना है तो कोई भी बहुत आराम से बोल सकता था कैसे गिटार सिखाएंगे इसको और लोग तो दे, देख के सीख सकते हैं एक साल के अंदर मैंने हर चीज सीखी आज अजय अपने संगीत के जुनून को पूरा कर रहे हैं और स्कूल क्वायर का भी हिस्सा है किरण अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल पर मेहनत कर रही हैं। इन्हें अपने स्कूल में मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में पुरस्कृत भी किया गया ये कहानियाँ इरादों की मजबूती की हैं। बावजूद इसके कि जिंदगी इनके सामने ढेरों चुनौतियाँ रखती जाती है ये बच्चे जिंदगी का सामना मजबूत इरादों और दृढ़ निश्चय से करते हैं तो किरण और अजय आज दोनों हमारे साथ हैं पब्लिक स्पीकिंग और जो चुनौतियाँ आपने फेस की उस पर क्या बताएंगे जी आ, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं जब आप मतलब ना हो तो आई मीन टेंथ सो बेसिकली मैथ्स वॉज अ चैलेंज फॉर मी इट इज़ अ चैलेंज फॉर मी और बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं जैसे मैं जब प्रीफेक्ट थी तब आता था कि लिस्ट कैसे बनाएंगे लोग रजिस्टर में लिखते हैं आप कैसे लिखोगे तो वो एक साथ कन आ, साथ में लिखना और मैं ये कहूँगी कि मुझे आज जो बनाया है इट्स ऑल माई पेरेंट्स माय प्रिंसिपल डॉक्टर रैनी कोशी दिहंस फाउंडेशन उन्होंने ये साबित किया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो तो तो उन्होंने वो पत्थर उछाला है और आसमान में सुराख भी जरूर होगा मुझे पूरे यकीन है आपने तो अजय तबीयत से गिटार हाथ में उठाया है <laughs> uh, uh, um, <laughs> कुछ अपनी चुनौतियों के बारे में बताइए हम uh, um, चुनौतियाँ बहुत आई uh, अभी भी आती हैं ऐसा नहीं है ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप उनसे कभी भाग नहीं सकते अगर भाग कर उनका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो तो एटलीस्ट चल चल कर धीरे धीरे उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए यही सीखा है और यही फार्मूला आई थिंक अब तक काम कर रहा है जिंदगी में और जहाँ तक आपने गिटार की बात की तो आ, संगीत का तो शुरू से ही शौक था और आ, मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कुछ दोस्तों ने मैं उनका नाम नहीं ले सकता यहाँ जैसे कहा कि यार तू तो ब्लाइंड है अब तेरे से साथ सब सिंपति होती है कि यार अब ये तो देख नहीं सकता भाई इसको तो संगीत में डालो और क्या करेगा तो आ, ऐसा कुछ नहीं है आ, मैं यहाँ पर आज तक के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं जेन्युनली टैलेंटेड हूँ हम ग्रामीण इलाकों में क्या कर सकते हैं हम वहां पे कैसे सोच में बदलाव ला सकते हैं हम कैसे वहां पर प्रेरित कर सकते हैं दिव्यांगों को मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ये है Um, हम बात करते हैं सोशल uh, कमिटमेंट की uh, मेरी तरफ से सोशल कमिटमेंट से पहले एक स्टेट का कमिटमेंट है uh, सरकार की प्रतिबद्धता जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि रूरल एरियाज़ में हम लोगों ने काम किया है संस्था के थ्रू और uh, हम ऐसे बहुत लोगों से मिले हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक एक्सेसिबिलिटी की होती है और दूसरा ये कुछ ऐसे इशूज़ uh, हैं जिनके बारे में जितना ज़्यादा बात किया जाए जितना ज़्यादा ये हमारे सोसाइटी का ये एक अहम हिस्सा है ये लोग और हम सभी इक्वालिटी की बात करते हैं एक समानता की बात करते हैं तो रूरल एरियाज़ में तो इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आप दिव्यांग लोगों की बात कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों की बात कर रहे हैं हम ये देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं जो गाँव में और रूरल एरियाज़ के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ टीचरें ही मिलना मुश्किल हैं तो अगर आप उन इलाकों में स्पेशल एजुकेटर्स की बात करें उन इलाकों में आप रिहेबिलिटेशन की बात करें रिहेबलीटेटर्स की बात करें तो उन पोजीशंस के लिए लोगों को ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल है और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है और अ, मेरा नज़रिया एक ये भी है कि ऐसे जो पोजीशंस हैं जिनकी हमें ज़रूरत है अ, पूरे देश में अ, अगर हम ऐसे पोजिशन को बेटर सैलरी दें अगर कोई रिहेबलीटेशन में जाना चाहता है कोई सोशल वर्क में जाना चाहता है तो ये प्रोफेशन जो हैं इनको हम इकोनॉमिकली अगर मोर वायबल करें तो जो हमारी यंगर पीढ़ी है वो चुनेंगे इन जॉब्स को और वो जाएंगे इन क्षेत्रों में जहां पर इन लोगों को इन आ, ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है गीता जी एक ऑटिज्म पर मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ uh, क्या आपको लगता है ऑटिज्म बिल ऑटिस्टिक बच्चों के माँ बाप को उस चुनौती को सुलझा पाएगा कि जब बच्चा अट्ठारह साल का हो जाए तो माँ बाप को उसकी लीगल गार्डियनशिप पाने में मुश्किल ना हो बिल तो अच्छा है लेकिन वही बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन पे और अगर हम लोग ये देखें कि लीगल गार्डियनशिप पे तो बेसिक जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना इतना मुश्किल है कि आ, मेरे ही संस्था में 60 प्रतिशत पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है और वो बोलते हैं कि जाओ तो वो लोग बोलते हैं ऑटिज्म समझ में नहीं आता ये ऑटिज्म क्या है आप मेंटल रिटार्डेशन का ले लीजिए सर्टिफिकेट लेकिन जो पर्सन 40 प्रतिशत से कम की डिसेबिलिटी है और क्योंकि मेरा बेटा भी उसका 80 प्रतिशत एट्टी से ज्यादा उसकी आईक्यू है मेंटल रिटार्डेशन का कैटेगरी में नहीं आएगा वो तो आ, क्या वो डिसबिलिटी सर्टिफिकेट के लायक नहीं है और आ, उसको यही हम लोग देखते हैं कि जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले लोग हैं वो इससे छूट जाते हैं उनकी दिक्कतें वही हैं लेकिन वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता वो बेनिफिट्स जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के होते हैं वो नहीं मिलते हैं हम उम्मीद करेंगे कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बात

मिल के कुछ काम करना है तो मैंने जब एक तरह का भारत दर्शन किया ये अपने आप को एजुकेट करने के लिए कि इंडिया में दृष्टिबाधित लोगों के साथ क्या कार्यक्रम चल रहे हैं इस वक्त मैंने देहरादून में आ, कुछ ब्लाइंड बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा और चार बातें मेरे सामने आई एक तो क्षमता था दूसरा देवर एन्जॉइंग द स्पोर्ट तीसरा ये था कि खेल के माध्यम से लोग काफी कुछ जिंदगी के बारे में सीखता है इनफैक्ट दे से दैट द प्लेइंग एरिया रीना इज एज गुड अ क्लास रूम एज द्लास रूम इन द स्कूल एंड अगली बात क्रिकेट में माध्यम या स्पोर्ट्स के माध्यम से जो हमारा फोकस है लोगों का जो फोकस है वो विकलांगता से हटकर काबिलियत पे आता है ऑन द एबिलिटी रादर देन द डिसबिलिटी वेरी पॉजिटिव पिक्चर यू सी एन द प्लेइंग फील्ड और आखिरी बात मैंने ये भी समझ लिया कि ये जो क्रिकेट का खेल है ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लिया जा सकता है एंड uh, ये सोच के मैंने क्रिकेट का प्रोजेक्ट uh, शुरू किया 1990 में पहला नेशनल टूर्नामेंट आयोजित किया दिल्ली में 1996 में हमने वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का स्थापना किया और ये फैसला किया गया कि इंडिया में 1998 में पहला वर्ल्ड कप होगा और उसके बाद हर चार साल ये वर्ल्ड कप होता है और uh, 2011 में इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता जब ये साउथ अफ्रीका में खेला गया और भारतीय कैप्टन जो है उनको पद्मश्री से नवाजा गया इतना टैलेंट है जबरदस्त टैलेंट है जो हम देख रहे हैं क्या इनके लिए भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं होने चाहिए सी आई आई फिक्की जैसे ऐसे आ, बिजनेस फोरम्स नहीं होने चाहिए ऐसे टैलेंट को क्योंकि ये टैलेंट अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाया है मैं ये मानता हूँ कि अभी तक हम ये कहते थे कि डिजेबल नीड डेवलपमेंट इसीलिए उनको स्कीम्स दो स्कॉलरशिप्स दो बाकी सब दो अब समय ये आ गया है कि डेवलपमेंट नीड्स डिजेबिलिटी अगर हम बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने की कामना रखते हैं और जरूर हम बनेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा तो उसके टाच बेरर कौन होना चाहिए उसमें क्या एक दिव्यांगजन सेगमेंट से होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये धारणा तीन करोड़ की आबादी के पोटेंशियल को हमें साथ लेकर आगे बढ़ना बिल्कुल सही है अब भारत में हम एक आइडिया के नाम पे एक प्लेटफॉर्म की गठन हुई है इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रीनर एसोसिएशन एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना के तहत आने वाले पांच सालों में पांच हजार दिव्यांगजन एंट्रप्रीनर को और एक लाख दिव्यांगजन को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने की योजना है हाँ। इसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस स्किल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड हंस फाउंडेशन की एक बहुत अहम भूमिका है और रहने वाली है कि इसके तहत पूरा देश भर में एक अभियान के मोड में हम जाके लगभग लगभग अभी ऑलरेडी हम लोग पचास एक ऐसा दिव्यांगजन एंट्रप्रीनर की टोली इकट्ठा हो गई है अब ये सफर पचास से पाँच हजार की तक आने वाले पाँच सालों में हम करेंगे और इस देश जब विश्वगुरु बनेगी उसके अग्रिम पंक्ति में जरूर आपको दिव्यांगजन एंटरप्रीनर्स दिखेंगे क्या बात है बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस मिशन के लिए श्वेता जी दंस फाउंडेशन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के क्षेत्र में भी उसको खत्म करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है उस बारे में कुछ बताइए सो so, um, मैं पहले यही बोलना चाहूंगी कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है वो कम्प्लीटली uh, ट्रीटेबल है एंड uh, हमारे देश में समस्या ज़्यादा सप्लाई की है क्योंकि एक बार किसी जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो छः घंटे के अंदर अंदर हमको उनके कॉर्निया की ज़रूरत पड़ती है और एक कॉर्निया से हम दो लोगों की जो है आईसाइट रिस्टोर कर सकते हैं uh, हमारे देश में 40 लाख लोग हैं जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है और हमने शुरुआत करी थी उत्तर प्रदेश में के जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनके अस्पताल से हमने शुरुआत करी थी साइट uh, लाइफ हमारे एक और पार्टनर हैं और uh, सीतापुर मेडिकल ट्रस्ट है तो ये पार्टनरशिप था और आइडिया था कि यूपी में जहाँ पर दो लाख के करीब लोग जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है तो हम कैसे यहाँ पर uh, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें और इस डिज़ीज़ को हम खत्म करने की कोशिश करें आज के आज मैं कह सकती हूं कि खाली के एक हॉस्पिटल है जहां पर आप देखें प्रदेश में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज हुई हैं एंड दैट इज़ 700 सो इट इज बिग नंबर बट मच मोर इज़ नीडेड एंड वही बात है वी कम बैक टू द सेम थिंग एजुकेशन की ज़रूरत है लोगों को uh, बताना ज़रूरी है कि जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो वो किस तरीके से और जो जीवित लोग हैं उनकी मदद कैसे कर सकते हैं क्योंकि आप विश्वास करेंगे अगर किसी ने डोनर कार्ड साइन भी कर रखा है और सहमति दे रखी है ऑर्गन डोनेशन की लेकिन जब तक फैमिली मेंबर अप्रूव नहीं करेंगे आ, उनके शरीर पुराने के बाद तब तक वो आईज उनसे हम नहीं ले सकते जो डॉक्टर हैं तो हम जब के में गई थी डॉक्टर्स के वही कहना था कि आ, वी नीड एक्सपोजर वी नीड टू टॉक टू पीपल कि जाति धर्म ये सब बातें जो हैं इस टाइम पर ध्यान में ना रखें और हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं और किसी की दृष्टि उनको वापस दे सकते हैं इस बात पे हम ध्यान दें तो आ, मैं कहती हूँ अभी हमने चार स्टेट्स में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का काम हमने शुरू कर दिया है उत्तराखंड में ऋषिकेश में है गुवाहाटी में है और हम वाराणसी उत्तर प्रदेश में भी बीएचयू के साथ ये काम कर रहे हैं बिल्कुल ये बहुत बहुत आपको इसके लिए शुभकामनाएं क्योंकि इसके जरिए बहुत बदलाव होगा नसीर साहब से एक सवाल हम ले रहे हैं कि फिल्मों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिव्यांग कलाकारों ने काफी लोकप्रियता हासिल की है मसलन राणा दगुवती जिनकी एक आंख में प्रॉब्लम है सुधा चंद्रन एक्सीडेंट के बाद उनका एक पैर तक बचपन में काटना पड़ा था इनकी सफलता के बाद क्या आप फिल्म इंडस्ट्री में दिव्यांग लोगों के लिए अच्छे अवसर देखते हैं राना और आ, सुधा जो हैं दो बहुत ही एक्सेप्शनल किस्म के लोग हैं जिनको मैं हज़ार दफ़ा सलाम करता हूँ इनफैक्ट उनके साथ मैंने काम भी किया है आ, सुधा के साथ एक फिल्म में राना तो है एक्शन हीरो है उनकी जैसी एक दूसरी मिसाल है नवाब पठोडी सीनियर जिनकी एक आँख चली गई थी और छः महीने के अंदर वो हिंदुस्तान की टीम में शामिल हुए थे तो ये कहानियाँ बताई जानी चाहिए लोगों को पता चलना चाहिए इनके बारे में और ताकि ये आ, सुधा चंद्रन और राना दगुबती और नवाब पटौली मंसूर अली खान जैसे लोग एक्सेप्शन ना रहें बल्कि वो द रूल बन जाए साथ मिलकर चलना होगा साथ लेकर चलना होगा और दिव्यांग हमारे असल हीरो हैं लगातार अपनी चुनौतियों को जीत कर वो आगे बढ़ रहे हैं हम उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं झुकती है, है दुनिया झुकाने वाला चाहिए सपने पूरे होते हैं बस हौसला चाहिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और खास तौर पर विशेषज्ञों का आपने इतना वक्त निकाला और इसी के जरिए बस यही उम्मीद कि थोड़ी जागरूकता थोड़ा हौसला यूं ही जिंदा रहे हम आगे बढ़ते रहे लव यू जिंदगी के इस एपिसोड में इतना है।